हे गाइस, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सभी? होपफुली आप सभी अच्छे होंगे। तो अभी मैं आई हूँ बालकनी में, देख सकते हो जैसा मैंने कल के व्लॉग में बताया, कपड़े बहुत होते हैं गाइस मेरे घर पे। तो अभी इनको फोल्ड करना है, और अभी धोना तो नहीं है, सिर्फ फोल्ड ही करना है उनको। हल्के हल्के थोड़े से गीले हैं, तो मैंने सोचा थोड़ा सूख जाए उसके बाद में। और हेज़ल अभी मतलब पूरे घर में झाड़ू लगा रही है, वो पता नहीं आजकल उसको झाड़ू और पोछे से क्या प्यार हो गया। बस पूरे दिन झाड़ू लगाएगी, और या अपनी पैंट ले लेगी, उसे पूरा से मार्बल के ऊपर पोछा लगाएगी, क्योंकि रजनी को देखती है ना, तो इस वजह से पूरे दिन झाड़ू पोछा करती रहती है वो भी। और उसके लिए मैं कर रही हूँ दूध गर्म, उसको दूध देने वाली हूँ। और हेज़ल के पापा का फ़ोन आया था कि वो आज जल्दी आएंगे, तो थोड़ी सी देर में आने वाले हैं। अभी मेरी बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि आधे घंटे में आ रहा हूँ। बात हुए हुए मुझे लगता है शायद 10-15 मिनट हो चुके हैं, तो आ जाएंगे 15-20 मिनट, मतलब आधी घंटा बोला तो 1 घंटा लगाएंगे। तो चलो यार, हेज़ल को पहले दूध पिला देती हूँ, फिर आपसे। की मम्मी की क्या मुझे याद आ जाती है, मम्मी के पास में रहेगी। अगर दूर रहते ना तो नहीं होता इतना शायद मेरे हिसाब से, लेकिन पीछे वाली गली में ही है तो फिर ऑब्वियसली याद आता है कि चलो मम्मी के चले जाते हैं। हाँ बिट्टू, हाँ क्या हो गया साक्षी? ये लो। सो गाइस, मैं वेट कर रही हूँ हेज़ल के पापा का। हाँ बेटा, इसमें क्यों कर रही तो आप? हाँ लो, इसमें नहीं डालना। ओके ताता, उधर ताता, इधर आ जाओ। नहीं नो, बीबी देखो, बीबी बीबी जाओ, बीबी इसके पास जाओ। सो गाइस, बच्चे ना बहुत ज्यादा परेशान करते हैं यार, मेरा बच्चा तो बहुत ही परेशान करता है, और मैं अकेली रह गई ना तो और ज़्यादा मैं परेशान होती हूँ, क्योंकि वो आगे आगे बिखेरती रहती है, मैं पीछे पीछे उसकी चीज़ें उठाती रहती हूँ। अब वो मेरे बालकनी में सारे कपड़ों के पीछे लग गई, बोरी मैं इनको सबको बिखेरूंगी। क्या हुआ? ओ गॉड। तो गाइस, डेली रूटीन का मैंने काम कर लिया अपना, और अभी मैं सोची थी कि आज ना मम्मी के नहीं जाऊंगी, क्योंकि रोज़ रोज़ जाना जाने आने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। लाइक पहले जाओ, मैं 3-4 बजे जाती हूँ, फिर 6-7 बजे वापस आ जाती हूँ, तो फिर वही मतलब थक जाते हैं, पहले इधर आओ उधर जाओ। और हेज़ल को भी फिर टाइम मैं नहीं दे पाती हूँ, उधर जाके फिर मैं कहीं ना कहीं बाहर चली जाती हूँ, तो इस वजह से वैसे पूरे दिन मैं हेज़ल के साथ ही होती हूँ, टाइम टू टाइम स्पेंड करने को, तो लेकिन फिर भी मतलब थक जाती हूँ इन शॉर्ट। तो गाइस, अभी मैं वेट कर रही हूँ हेज़ल के पापा का। हेज़ल को मैंने दूध पिला दिया, और झाड़ू उठा देती हूँ, क्योंकि मैं कह रही हूँ ना, जो हेज़ल है ना, देखो गाइस, देखिए आप, मतलब वो पीछे आगे आगे है ना, क्या करती है, खेलती रहती है और सामान बिखेरती रहती है, और मैं पीछे पीछे उस सामान को उठा उठा के वापस जमा रही होती हूँ। हेज़ल, हू इज़ दिस बेबी? हेज़ल कौन है? सुबह सुबह उठते ही नहीं हो, पापा तो चले जाते हैं सुबह आपके उठने से पहले। हेज़ल, निकाल लिए? हे गाइस, सो गुड मॉर्निंग, इट्स अ नेक्स्ट डे, और मैंने अपने लिए बनाए परांठे, और अभी भी बन रहे हैं। और आज देखिए मौसम कितना तगड़ा हो रहा है, ये देखिए आप बाहर कितनी तगड़ी बारिश हुई है, मैं आपको विंडो से दिखा देती हूँ, ये देखिए। बाकी मैं एक बार बाहर जाके भी आपको दिखा दूँगी, अभी मैं थोड़ा सा खाना बना लेती हूँ, ये तो हेज़ल जा जाएगी उससे पहले। सो गाइस, मेरी भिंडी रेडी है, आज मैं भिंडी की सब्ज़ी बना रही हूँ। प्याज टमाटर और हरी मिर्च पक गई है, आप देख सकते हो। अब इसमें भिंडी डालूंगी, और देन इसमें मसाला ऐड करके, और देन मेरी सब्ज़ी भी बन जाएगी। आज मैंने क्या रोटी जल्दी बना ली थी, मुझे परांठे बनाने को ना इस वजह से, तो चलो गाइस सब्जी वगैरह बना देती हूँ, फिर मिलती हूँ आप सारे। यहाँ मेरी सब्ज़ी बन गई है, और यहाँ मैं अपने लिए बना रही हूँ मैगी, क्योंकि मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, मैं जो क्यों ना मैगी बना के खाई जाए, क्योंकि इस मौसम में मैगी खाने के अपने कुछ अलग ही मज़े होते हैं। सो गाइस, मेरी मैगी बनके हो गई तैयार, और अब मैं इसको खाऊंगी तो ठंडे ठंडे मौसम में, चलो बहुत जल्दी ठंडी हो जाएगी, इसलिए मैं खाती हूँ पहले। सो गाइस, यहाँ देख सकते हो मैं अपना बेड साफ़ कर रही हूँ,
जो काम की चीजें वो एक तरफ रखूंगी और जो नहीं काम की वो एक तरफ रखूंगी। पूरा ऐसा फैलावड़ा फैल रहा है, कोई किधर सर्दी के कपड़े पड़े हैं, किधर मेरे बेस पड़े हैं, किधर ये फर्नीचर पड़ा है, मतलब फर्नीचर मतलब ये जो भी है ट्री कप वगैरह, तो मैं पूरा सेट करने वाली हूँ ये। तो गाइस ये देखिए आप, ये शायद मैंने भी नहीं देखा है, ये मेरे पियर से आया था, टी कप सेट है, बड़ा ही प्यारा है। देखिए तो कुछ कुछ चीज़ें ऐसी है जो मैंने अभी तक नहीं देखी है एक्चुअली। ये देखिए बड़ा ही सुंदर है, बड़ा ही प्यारा है, अभी तक खोला नहीं है, ये अभी ज़रूरत नहीं है इसे खोलने की। सो गाइस यहाँ मैं कर रही हूँ अपनी मूंगफलियाँ गर्म और मैं खाऊंगी अब उसको गुड़ के साथ। तो चलो पहले मैं इसको गर्म कर लेती हूँ फिर गुड़ निकालूंगी। उसकी वजह से कपड़े नहीं सूख पा रहे थे तो धूप आते ही मैंने अभी जस्ट इनको बाहर रखा है, तो सारे ऑलमोस्ट देख सकते हो आप हेज़ल के पापा के ही कपड़े हैं। और इधर फिर मैंने आज ये वाले जो मेरा मैटशीट है ये भी, मतलब मेरा बेड वाला मैटशीट ये भी धोया है, क्योंकि मैं हर चौथे पाँचवें दिन इसको धोती हूँ। और फिर वो मम्मा के बेड वाला चादर भी धो दिया, और अभी चल रहे हैं आज के जो हमारे कपड़े हैं मेरे और हेज़ल की, उसके बाद में मेरे और मेरे हस्बैंड के ये शूज़ और एक ही ब्लेज़र और बचा है, बस इतना ही धोना है आज। तो चलो अंदर चलते हैं, मेरी मूंगफलियाँ जल गई, हाँ मैं भूल गई, भागो बच गई। सुबह से मेरी मूंगफलियाँ बाल बाल बच गई हैं, बहुत ही भयंकर हो जाता, नहीं तो भी कर लेते उसको थोड़ा। और शावर मैंने ले लिया है, और गुद के चोटे बनाती हूँ ना तो मैं हमेशा शैम्पू लगती हूँ, आप कमेंट करोगे कि दीदी आप ऐसे कैसे रहते हो। तो यार गाइस नॉर्मली तो हम सभी घर पे ऐसे रहते हैं, काफ़ी लोगों के कमेंट आते हैं दीदी आप ऐसे कैसे रहते हो, तो नॉर्मली घर पे सब ऐसे ही रहते हैं मेरे हिसाब से। कौन ऐसे मतलब यू नो वन पीस पहन के या फिर जींस पहन के बैठा रहता है एनी टाइम। गाइस जैसा जो रियल होता है व्लॉग्स के जरिए हम लोग दिखाते हैं कि रियल लाइफ में क्या क्या होता है, तो वो तो फिर एक फेक तरीका हो जाएगा ना कि हम लोग 24 घंटे जींस में या फिर 24 घंटे मेकअप करके मैं नहीं रह सकती है। तो चलो मूंगफलियाँ मेरी हो गई रेडी, अब मैं इनको खाऊंगी गुड़ के साथ और आपको मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में। यार आज के ब्लॉग में मुझे पता है इतना कुछ खास नहीं था, बट ठीक है मैं एक दिन छोड़ के एक दिन ब्लॉग लेके आऊँगी, चाहे मुझे डेली रूटीन ही दिखाना पड़े आपको। तो ऐसे ही अपना प्यार देते रहें, ऐसे मेरे साथ हमेशा बने रहें, मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में। हैव अ गुड डे, बाय, टेक केयर गाइस, बाय बाय। तो गाइज व्लॉग तो मैंने एंड कर दिया था, लेकिन धूप आते ही मैंने सोचा क्यों ना हेज़ल के नेल्स काट दो उसे धूप में बैठा के, तो इधर मैं हेज़ल के नेल्स काट रही हूँ क्योंकि थोड़े से उसके बड़े हो गए थे नेल्स, तो मैंने हेज़ल को उसकी क्यूट सी चेयर पर बैठाया। और इधर घंटी बजी तो मैंने सोचा कौन आया आगे देखूँ, तो रजनी डस्टिंग के लिए आई है, मैंने आज उसको स्पेशली बुलाया कि मेरी खिड़की वगैरह पहुँच दो। और हेज़ल क्या लाए पापा ये, क्या लाए पापा ये, क्या लाए इतने सारे ऑरेंज, हाँ लो आपकी, आपकी ये लो।